हेलो एवरीवन, एनआर हिंदी सेक्रेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब भी स्कूल या कॉलेज में फेयरवेल पार्टी होती है तो हम बड़े उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि यह पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं होती बल्कि कुछ यादें होती हैं जो हमने कॉलेज या स्कूल में बिताए हैं, उन पलों की मेमोरीज होती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट बहुत खास होनी चाहिए। इसलिए आज मैं आप सबके लिए एक खास स्क्रिप्ट लेके आई हूँ जो फेयरवेल पार्टी के लिए मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है, ज्ञान की अलग जगाने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है। एक खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं। फेयरवेल प्रोग्राम का सुंदर सा आगाज करते हैं और इन यादों को हम अपने दिल के आईने में हमेशा के लिए कैद करते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं, अ वार्म वेलकम टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल माय टीचर्स, माय सीनियर्स एंड ऑल माय फेलो फ्रेंड्स। मैं अंकिता, कक्षा 11 की छात्रा, इस खूबसूरत सुबह को और खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रही हूँ और इस सुबह को एक सुंदर सा आगाज देकर और सीनियर्स के लिए कुछ अनकही सी यादें लेकर आई हूँ। और हम सब जूनियर की ओर से सफल भविष्य की शुभकामनाएं देने आई हूँ। इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए झिलमिल और ग्रुप को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद आप बोल सकते हैं, थैंक यू झिलमिल एंड ग्रुप। अब मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो स्टेज पर आए और आशीर्वचन रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें और सीनियर्स की विदाई पे कुछ शब्द कहे। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल सर, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, जीवन की हर पथ पर बस यही कामना करते हैं। किसी कार्यक्रम में अगर डांस का ठुमका न लगे तो फीका फीका सा लगता है, इसलिए फेयरवेल पार्टी में चार चांद लगाने और स्टेज पर रंग बिखेरने के लिए मैं मोनिका एंड ग्रुप को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद आप जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको आप एक एक करके स्टेज पर आमंत्रित कर सकते हैं। अब मैं एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अपने सीनियर्स जय एंड ग्रुप को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। अब सीनियर्स के मन के भावों को मैं कविता के माध्यम से पढ़ना चाहती हूँ। याद आता है वो बीता हुआ कल, स्कूल के वो सबसे हसीन पल, वो फिजिक्स लैब, वो केमिस्ट्री लैब, वो असेंबली, वो गेम्स पीरियड, वो दोस्तों की मंडली, वो टीचर्स का डांटना और वो प्रिंसिपल सर के स्पीच। जिंदगी की रेस में हम बहुत आगे निकल गए हैं, पर कुछ खट्टी मीठी यादों का अनुभव अपने साथ ले गए हैं, आज उसे ही साझा करते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफ़र बस अब याद में सिमट गया है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ अनकही बातें हर स्टूडेंट की। वो गुड मॉर्निंग मैम, वो गुड मॉर्निंग सर कहकर पुकारना और आई बी एन ओबिडेंट स्टूडेंट का टैग अपने गले लगाना, वो टेस्ट ट्यूब का टूटना और टीचर से फिर डांट खाना, नंबर कम आने पर उदास हो जाना और अच्छे नंबर आने पर टीचर से शाबाशी पाना, वो असेंबली में आँख मिचौनी खेलना और फिर क्लास से बाहर खड़े रहने की सजा पाना, रोज नए नए बहाने ढूंढना और फिर कैंटीन में समोसा खाते हुए पकड़े जाना, वो लास्ट बेंच पर बैठना, दोस्तों के साथ खूब झूमना, एग्जाम की सारी सारी रात पढ़ना और फिर रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करना। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र बस अब याद में सिमट गया है, कुछ अनकही से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी याद बनकर रह गया है। अब तो फेसबुक पे सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रह जाएंगे, मिलना तो एक दूसरे से दूर फेसबुक टैग बनकर रह जाएंगे। जिंदगी रफ्तार पकड़ लेगी, जिम्मेदारियाँ जकड़ लेगी, फुर्सत के बल सिमट गए हैं, बस एक दूसरे की याद में अब याद बनकर रह जाएंगे, एक दूसरे की याद में एक याद बनकर रह जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आप कुछ गेम खिला दीजिए। अगर आपको मेरी स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।